हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं बिना भिगोए हुए साबुदाना वड़ा, जो कि मैंने स्टिक के रूप में बनाया हुआ है। सबसे पहले हम एक बोल साबुदाना लेंगे और एक बड़े से बोल में डाल देंगे और उसमें हम खूब सारा पानी डालते हुए हाथों से इस तरह से रब करते हुए हम मल मल कर दो तीन बार पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसमें जो पाउडर लगा हुआ है वो अच्छी तरह से निकल जाए और जो भी इसमें कचरा वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाए। अब एक मिक्सी जार में हम इसे बिना पानी डाले पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी भिगोना नहीं है, ये इंस्टेंट बना रही हूँ मैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप देखते रहना। तो इसे हम मोटा मोटा ही पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने साबुदाने को बहुत ही मोटा मोटा ही पीस कर तैयार किया है। अब इसमें मैंने दो छोटे मीडियम आकार के उबले हुए और मैश किए हुए आलू में डाल रही हूँ। इसमें हम चार चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ सिंगदाना डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा अगर आप खाते हो तो। एक चम्मच नींबू का रस, यानी कि आधा नींबू का रस। और इसमें मैं हरी धनिया कटी हुई, थोड़ा सा अदरक यदि आप खाते हो, थोड़े से करी लीव्स और अपने स्वाद के अनुसार हम हरी मिर्च डालकर इसे खूब अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। बाद में हम नमक डालेंगे। मिश्रण को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और यदि आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा, दो चम्मच है तो मैं शक्कर डाल रही हूँ। और इसे हम अच्छी तरह से फिर से मिला लेते हैं और इसे हम देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। यदि हमें परफेक्ट लगा तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे और ये हमारा शेप बनने के लिए तैयार है। ये देखिए, इसमें आलू और साबुदाने का क्वांटिटी एकदम बराबर है। ये कोई भी शेप अगर हम बनाते हैं तो ये बन जा रहा है, यानी कि हमारा जो मिश्रण हमने बनाया है वो एकदम परफेक्ट है। अब मैंने एक ट्रे लिया है और उसमें मैं तेल या घी से हम ग्रीसिंग करेंगे। साबुदाना का वड़ा मैं बना रही हूँ तो ये वड़े के शेप में मोस्टली हम खाते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन मैं कुछ और शेप देना चाहती हूँ तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है कि अच्छे से निकले। जो मिश्रण मैंने बनाया हुआ था उसे हम इस तरह से रख कर और इसे हाथों से दबा दबा कर फैला लेते हैं। मैंने इसे शेप दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो साबुदाना वड़ा है वो स्टिक फॉर्म में हो, तो इसलिए मैं इसे लंबे लंबे शेप में काट लूँगी। आपको जो भी शेप अच्छा लगे आप उसी उस तरह बनाइएगा। आप इसे चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब मेहमान आए या जब खाने का मन हो तब आप इसे निकाल कर सीधा डीप फ्राई कर ले या शैलो फ्राई कर ले, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो एक एक पीस उठाकर हम सावधानी पूर्वक इस तरह से रखते जाएंगे और इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे एक साइड फ्राई होते हुए एक से दो मिनट हो चुके हैं तो दो चम्मच की सहायता से हम इसे इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम ब्राउन कलर आने देंगे। तो मैं इसे भी धीरे से पलट देती हूँ। साबुदाना स्टिक हमारा हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये बिल्कुल भी तेल नहीं पिया हुआ है। इसके साथ हम एक टमाटर की चटनी सर्व करेंगे, तो उसके लिए दो टमाटर मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा करी लीव्स और खूब सारा हरा धनिया हम डाल लेते हैं और थोड़ा सा सेंधा नमक। और इसे हमें कोसली पीसना है, मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक महीन नहीं पीसना है। फाइनली हमारा साबुदाना स्टिक रेडी हो चुका है, जिसे मैं आपको एक
बता दूं कितना क्रिस्पी बना है, आवाज़ सुनिए आप इसका, बहुत क्रिस्पी है, बहुत जल्दी बन गया। और इसे मैं तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अब इसे हम टमाटर की चटनी के साथ में सर्व कर कर देखते हैं, बहुत ही टेस्टी है, खाकर बस मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह का साबूदाना स्टिक उपवास का आपको कैसा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।